किसका जोर है, जोर है भुवन के नाथ पर, भर नाथ किसका जोर है।
अलावा दूसरी चीज नहीं है जो उसको हिला सके। 14 भुवन का नाथ है, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि जिसको कोई हिला दे। ये चाहत, हृदय की ये चाहत। और फिर जैसा किसी ने कहा है, मानो भगवान की तरफ से, भगवान कहते हैं ये गलत कहा किसी ने कि मेरा पता नहीं, ये गलत कहा किसी ने कि मेरा पता नहीं, मुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं। इस हद तक कोई ढूंढे तो सही, जैसा श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि नदी योग नरेंद्र ने कितनी बार कहा कि भगवत दर्शन होते कब, कैसे होते, ले जा करके नदी में गर्दन डुबो दी और पानी के अंदर और रखे रखा, हालत खराब हो गई, फिर वापस निकाला कि कैसी हालत हो रही थी, बस अब प्राण गए, अब प्राण गए, कि ये हालत जब प्रभु के लिए होती है तब वो आता है। आता है, मुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं, अड़के तो देखे कोई। शंकर भगवान बार बार इसमें कहते हैं, बार बार वो ठोक के कहेंगे कि मुझे ही आजमा के देख लो कैसे नहीं आता है। अब इस तरह तो कथा आगे कैसे बढ़ेगी, चलिए अभी कह रहे हैं कि सप्तऋषि की प्रभु हमने वर्षों ना कुछ बोला है ना कुछ सुना है, मौन रह करके बिना कुछ सुने हमने वर्षों बिताए हैं, किस लिए कि हम आपके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहते हैं, आप कुछ बोले, इसलिए हमने इतने समय तक कुछ भी नहीं सुना ना कुछ बोला। तो ये एक तरह की तपस्या है कि जब चातक जो है वो स्वाति के जल की प्रतीक्षा करता है, वो कोई दूसरा जल नहीं पीता, ये एक तरह का इंतजार है, एक तरह की प्रतीक्षा है। तो अब हम आपके पास आए कि आप अपना रस बहाओ और उस रस में हमको नहलाओ। पार्वती जी भी बड़ी खुश हो गई कि ये बड़ी अच्छी बात है, और फिर सब मिलकर के शंकर भगवान का की स्तुति करते हैं। जय शंभो शिव शंकर शंभो, चंद्र मुकुट सिर धारे, चरणामृत को शीश पे रख, गंगा को धरा उतारे, कालकूट विषपान किया और नील कंठ कहलाए, भस्म शरीर रमाए हैं जो अंगराग लिपटाए। अंगराग की तरह तो वो भस्म को लिपटा के रखते हैं, और उनकी स्तुति की थोड़ा सा संक्षेप में ही चल लेते हैं इसमें। फिर शंकर भगवान कहते हैं कि बलिहारी हूं मैं ऐसी प्यास पर, जो तुम्हारी ये प्यास है कि तुमने वर्षों बिताए हैं प्रभु की कथा सुनने के लिए, मैं उस प्यास पर बलिहारी। शंकर करोड़ों वार करे, मैं करोड़ों शंकर वार दूं प्रभु के ऊपर, तुम मैं नख से शिख तक उस सुधा में तर बतर हूं, हो रहा लख कर के छवि नारायणी, मैं वो शिव अपने खोर। शंकर भगवान जो प्रभु की उस छवि में डूब गए हैं, क्योंकि बात कथा की आई है तो नस नस में संगीत जग उठा है। मैं नख से शिख तक उस सुधा में तर बतर हो गया, किस सुधा में, कैसी नारायणी छवि, जरा एक झलक हम भी तो देखें। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनमथ मान घटाए, चंचल चारु चपल चित वन चित चोर चोर हर्षाए, मन मोहन अति कमनी। चंचल चारु चपल चित वन चित चोर चोर हर्षाए, चंचल चित वन की चपल इधर उधर भागने वाली, उन्नत पिच्छ मयूर शिखर गिरी लख लख आप लजाए, अरुण चरण तल चुंबन को धरती अंबर ललचाए, भाल तिलक कस्तूरी नयनन कज्जल रेखुजियारी, गलवन माल मकर कृत कुंडल श्याम वर्ण बलिहारी, कोटि कोटि नव नव नवतम करि सरसिज अधरन वारू, युग्म कपोल निरख अब सखी क्या रवि और चंद्र निहारू। इनके युग्म कपोल देखने के बाद रवि और चंद्र देखने का होश किसे रहे, और रहे तो फिर उन्हें देखा क्या। कुंतल कुटिल लटे जो मेघा उमड़ घुमड़ कर छाए, अधरामृत का कण कण सावन सागर को तरसाए,
प्रीत दुकूल पवन संग दसत शिराजा सा लहराए नूपुर ध्वनि जय घोष है मानो विश्व विजय करगा। उनके चरणों में पड़े नूपुर भी ऐसे इतरा के बजते हैं कि जैसे कि पूरे विश्व को जीत के आए हो। क्यों आखिर सरकार के चरणों में पड़े तो इतना तो क्यों नहीं उठलाएगा कोई। अब शंकर भगवान उस एक झलक में जरा हम भी डूबने की कोशिश करते हैं, जो झलक वृंदावन की वो बता रहे हैं कि वैकुंठ का स्वामी जो वृंदाविपिन में वृंदावन में जो आज आया है, देखिए इसकी एक झलक। वैकुंठ तज वृंदाविपिन में नंगे पग है घूमता ऐश्वर्य सारे छोड़ कर गायों के पीछे दौड़ता रख कर सुदर्शन एक तरफ मुरली में सुर है भर रहा जग को नचाने वाला खुद मधुबन में नर्तन कर रहा जिसकी प्रसादी विशाल तो इतने कि वैकुंठ के स्वामी हैं और जब यहाँ आए तो गौओं को के पीछे पीछे भाग रहे उन्हें चराने के लिए। शंकर भगवान कह रहे वो रूप अनुपम श्याम का चित्त वित्त सब हर ले गया और मेरी हालत कैसी कर दी हिमवास भस्म लिबास जग परिहास मुझको दे गया। कितनों के घर छूट गए, कितनों का ये इस प्रभु की भक्ति में, भक्ति भी क्या मतलब, भक्ति जब प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंचती है, जब दीवानगी का रूप लेती है, सब छूट जाता है। तभी तो वो कह रहे हैं हिमवास, ये यहाँ पे मुझे बर्फ पे कैलाश के पर्वत पे बिठा के रख दिया है, जब हिमवास भस्म लिबास भस्म का मुझे ये वस्त्र दे दिए हैं और जगत में परिहास दे दिया। हे हिम सुता सप्तर्षिगण ना होश है मधु होश हूँ इस रुद्र तीसरी आंख में जीवंत उसका घोष हूँ। इस ये जो मेरा रौद्र रूप करके रखा है उन्हीं का तो उन्हीं की तो कृपा है कि तीसरी आंख में जीवन तो उसका रोष हूं, रोष के रूप में प्रकट। जब भी संहार करना होता है तो मुझे ही तो आके कर देते हैं। चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। कुछ हंसते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ पुलकित होते हैं, कुछ नाचते हैं, कुछ झूमते हैं, सब मिल करके गाते हैं बजाते हैं। अब देख करके इनकी ये स्थिति, यही झलक तो देखने को आए थे सप्तऋषि। बात ये कथा तो बहुत लोग करते हैं, चलिए आगे आएगी ये बात अपन तब करते हैं। वही कथा बहुत करते हैं, बहुत सुनते भी हैं, असर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्यास नहीं है सुनने की या सुनाने वाले में वो रस नहीं है। दोनों में से दोनों जब परिपूर्ण हो, परीक्षित जैसा अगर श्रोता हो, सुखदेव जी जैसा वक्ता हो, तो मुक्ति कैसे द्वार पर खड़ी नहीं रहेगी आकर के, संभव नहीं है। चाहत हो तो सही, प्रभु गुणगान की चाहत हो तो सही। अब शंकर भगवान ये कह रहे हैं कि आपका पहला जो प्रश्न था, देखिए हम अभी कथा की महत्ता पर बात कर रहे हैं। शंकर भगवान ये बता रहे हैं कि कथा है क्या। सप्तऋषियों ने आके सबसे पहले यही पूछा कि कथा क्या है, कथा किसको कहे, है क्या कथा, किसे कहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल है हम सभी के लिए कि कथा होती है, हम सब चाहते हैं कथा सुनना चाहते हैं, गुणगान करना चाहते हैं, हमें मतलब कथा है क्या कि राम जी हुए, श्री कृष्ण हुए, वो सब कुछ ये कथा है या भजन कीर्तन ये सब कुछ कथा है, कथा है क्या। कथा सत्य है, उस सत्य, उस ईश्वर, वो जो परमात्मा है उसका गुणगान कथा है। सब
शंकर भगवान यही कह रहे, आपने जो प्रश्न किया उस पूर्ण सत्य पावन ईश्वर का गुणगान कथा है। ये कथा कभी भागवत के रूप में सामने आई है, कभी रामायण के रूप में सामने आई है, कभी अमर कथा जो शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई थी उस रूप में सामने आई है, कभी भजन कीर्तन के रूप में भी सामने आई है। मस्त होकर के नाचे हैं लोग, वो नाचना भी कथा ही है ना, उसका गुणगान कैसे भी हो। वो जो एक अविनाशी जो है, जिसका जन्म ना मृत्यु ना कुछ और, वो ईश्वर है और वो साकार रूप लेता है तो वो राम और कृष्ण के रूप में आ जाता है। और कितने ही रूप देखिए, जो एक संक्षेप में जो एक झलक शंकर भगवान दे रहे हैं इसकी, देखते हैं अपन कि ये है क्या ईश्वर जो वैकुंठ में। वो हरि जो सागर क्षीर में करे शेष शैया पर शयन, वो हरि जो अंतर आत्म में हो पुष्ट करता है रमण, वो हरि रहित आकार से निराकार बन कर छा गया और ले लिया आकार को अवतार फिर कहला गया। वो हरि जो वैकुंठ में वहां का स्वामी निराकार जो ईश्वर है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित होना बहुत मुश्किल होता है, उसका चिंतन ध्यान नहीं हो पाता है, तो वो एक साकार रूप लेते हैं और यही साकार रूप ये सारे जो उन्होंने लिए हैं ताकि उनका गुणगान हो सके, ये सब वो रूप है। धरणी की रक्षा के लिए एक रूप शूकर का धरा, वन मत्स्य उसने प्रलय में नव सृष्टि सर्जन है करा, नव सृष्टि सर्जन है करा, मंथन जल दिखा जब हुआ कच्छप वन कर आ गया, और रूप मोहिनी धर के फिर राम बन कर छा गया, वरदान दानव जब श्री ब्रह्मा जी से दुर्लभ पा गया, व्याकुल पुकार पे भक्त की नरसिंह वो कहला गया, ये अदिति उसकी शान की सम्मान की और आन की, जब रूप वामन धर लिया परवाह की परवाह के नारा यण धरा पर राम रूप में आ गए, कुछ धर्म कुछ मर्यादा और कुछ भक्ति वे सिखला गए, कुछ धर्म कुछ मर्यादा और कुछ भक्ति वे सिखला गए, फिर रूप अनुपम अकथ अति कमनीय कृष्ण का धर लिया, इस रूप ने पागल किया कितनों को फिर बेघर किया, इस रूप ने पागल किया कितनों को फिर बेघर किया, कली काल में वो बुद्ध बनकर बोध सब में है भरे, फिर घोर कली में कल की बन रक्षा सभी की वो करे, उस सत्य श्री हरि की ही चर्चा को ऋषि कहते कथा, कल्याणमय है ये सदा तब ही तो सब सुनते कथा, कल्याणमय है ये सदा तब ही तो सब सुनते कथा। अरे ये एक बड़ा सामान्य प्रश्न है सभी के लिए, अभी जैसे अपन देखते हैं कि कथा या भगवान या ये सब क्यों किया जाए, ज्यादातर जो युवा वर्ग है वो यही सोचेगा कि क्यों क्यों भगवान को मानना। अच्छा अपन ने जो अभी तक देखा है ना शुरू से बचपन से, जैसा भी भगवान मतलब क्या, मंदिर में जाके भोग दे लो, व्रत कर लो, उपवास करो, दिवाली है तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी के हाथ जोड़ लो, मतलब ये है भगवान या ये है भक्ति, कुछ मांग लो कोई जरूरत पड़ गई तो कुछ मांगने के लिए भगवान है, तीर्थ यात्राएं करिया और भी नहीं तो घूमने फिरने के हिसाब से होता है ज्यादा, तो मांगे पूरी करने वाला तो भगवान, भोग देनी है भोग भी क्यों देनी है क्योंकि नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहिए और कुछ जो भी, मतलब इतना ही रह गया भगवान, सुबह शाम दीपक लगा दो, आरती कर दो ताकि घर परिवार अपना अच्छे से चलता रहे, नहीं करेंगे तो वो देवी माता रुष्ट हो जाएंगी, अरे गणेश चतुर्थी पे ये पूजा नहीं की तो वो रुष्ट
गणेश दुष्ट हो जाए, अनिष्ट कर देंगे ये। और डर, या तो डर या लालच, ये दो चीजें बस, बाकी तीसरी चीज, क्योंकि ये एक शेर है, शेर शायद शेर याद नहीं आ रहा देखो। इबादत कौन करता है, गरज सजदा कराती है, इबादत कौन करता है, गरज से सजदा करते हैं, जा जाके वहां माथा टेकते हैं भगवान के उसमें, या तो लालच से या डर से, प्यार से करता कौन है, प्यार करके तो देखो उसको, फिर देखो बड़े आदमी से प्यार हो जाए तो फिर एक डर डर के क्या सिर झुकाना। यही तो बात है कि भगवान मतलब बस इसीलिए इसीलिए अभी जो अभी की जो पीढ़ी है ना उसको मन नहीं करता जा करके कि भगवान के सामने ये ढोक दी जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं तुम प्यार करो भगवान से। अच्छा प्यार भी क्यों करो, इसका कारण ये है, अपने घर में अपने को बिजली चाहिए तो क्या ऐसे तो नहीं आ जाएगी कि सोचा बिजली चाहिए और बिजली आ गई, जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, कनेक्शन वहां से लेना पड़ेगा, फिर कनेक्शन लेने के बाद यहाँ बिजली आ जाएगी। तो ये सोर्स जो है ना, हम जितने भी हैं जैसे नौकरी चाहते हैं तो इसलिए भगवान को मानना, क्या वो कई बार मन्नत भी मानते हैं लोग, अगर ऐसा मेरा पूरा हो गया तो मैं पैदल पैदल गिरिराज की वो क्या 108 दंडवत परिक्रमा करूंगा करूंगी, या जो भी मेरा ऐसा हो जाए तो ऐसी ऐसी भी मन्नतें हैं, यहाँ से पैदल द्वारिका जाएंगे और कुछ करेंगे, ऐसी बहुत सारी मन्नतें भी मांगते हैं। तो कारण क्या है, मान क्यों रहे भगवान को अभी तक हम शांति और आनंद के लिए, हमारी सारी दौड़ संसार में जितनी भी है सब आनंद के लिए है, सुख पाना चाह रहे हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है, मिलता है थोड़ा सा, फिर से वो दुख साथ में तैयार ही रहते हैं। तो यही तो इसका सोर्स जो है ना वो अपने ही अंदर है, ये पता नहीं है अपने को। कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें हैं, कितने ही फंक्शंस ऐसे हैं जो अपने को पता ही नहीं होते हैं, अपनी एक्सेस ही नहीं है वहां तक, कई जगह तो ऐसी होती है एडमिन की एक्सेस होती है या ऐसा कुछ। तो इसी तरह से ये शरीर के अंदर ऐसा खजाना है, वो आनंद है, वो शांति है, इसका पता ही नहीं है। वहां तक एक्सेस तो तब हो जब हमें पहले पता तो हो कि ऐसी चीज है। तो ये जितनी जिस अपन जिस सारे के सारे इन चीजों के पीछे लगे हैं, पढ़ना पढ़ाई जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अगर आप 10 मिनट ध्यान करके देख लो ना, बता रहे हैं आपको, आप 10 मिनट रेगुलर 7 दिन तक ध्यान करके देख लो, कंटिन्यू 10 मिनट, केवल 10 मिनट ध्यान, मतलब किसी भी एक चीज पर कंसंट्रेट हो जाओ, चाहे वो मंत्र हो, कोई पॉइंट हो, सांस हो, ये नासिकाग्र हो, चाहे भ्रिकुटिका मध्य हो, कहीं भी कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ध्यान, मतलब एक जगह अपनी ये जो इतनी सारी जो ऊर्जा बिखरी हुई है इसको सारी को समेट के एक जगह ला देना। तो अपन बैठते हैं तो होता क्या है, अरे वो मेरे कोई बॉस ने डांट दिया, अरे आज ये सब्जी बेकार बनी थी, आज खाने में मजा नहीं आया, आज उससे झगड़ा हो गया, आज गाड़ी ढंग से नहीं चलाई, मतलब 50 तरफ दिमाग जा रहा है। उस सबको इकट्ठा किया जाए, उस ऊर्जा को इकट्ठा करना, देखिए बहुत ही साइंटिफिक चीज है, अध्यात्म साइंस से कहीं कहीं ऊपर है, साइंस के लेवल से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। हम केवल साइंस तक ही बातों को समझना चाहते हैं इसलिए हम साइंस से ही समझा रहे हैं। उससे ऊपर उठ करके देखोगे ना क्या गजब है, ईश्वरीय आनंद। तो बात ये कर रहे थे कि वो सारी ऊर्जा को इकट्ठा करना, आप 50 वो वॉट जो इलेक्ट्रिसिटी वॉट आ रहा है वो इतना ही आ रहा है और उससे 50 बल्ब जला दोगे, थोड़े थोड़े जलेंगे, अरे एक जलाओ मोटा सारा, देखना क्या उजाला होगा। तो इकट्ठा करना अपनी एनर्जी, आप 7 दिन 10 मिनट रेगुलरली ध्यान करके देखो, आप जो चीज याद करने में आपको 8 घंटे लग रहे हैं, आप 5 घंटे में वो काम हो जाएगा, करके तो देखो। मुश्किल से मुश्किल सवाल उस ध्यान में हल हो जाते हैं, लोगों ने देखा है, अपने वो एक मैथमेटिशियन हुए ना बड़े जोरदार, नाम नहीं ध्यान आ रहा, देखिए उनको देवी माता बताती है, वो सारी इक्वेशंस इक्वेशंस लिख के चले गए, उनको सॉल्व करने वाले आज तक कर नहीं पाए, उनको प्रूव नहीं कर पाए थ्योरम्स को, नाम नहीं ध्यान आ रहा उनका, रस ही नाम था शायद, ठीक है अभी हम कथा को आगे बढ़ाएं। शंकर भगवान यही कह रहे हैं कि कथा में मुख्य बात क्या है, योनि वेश परिवेश सब सब फालतू की बात है, समय वगैरह ये इतने महत्व नहीं रखते कि पहना क्या है, अपना वेश परिवेश कैसा है, बड़ी बात क्या है
व्यापकता कितनी है सुनने की। रामानुजन मेन चीज क्या है, व्यापकता। आपके अंदर सुनने की इच्छा कितनी है, आप ईश्वर के प्रेम में डूबना कितना चाहते हो और सुनाने वाला कितना डूबा हुआ है। वही बात, जो राम राम तो सब कहे, कोई राग चलता भी कहे, पर राम जब कबीरा कहे तो सांस मरता भी रहे। सब राम 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 कह रहे हैं, कबीर दास जी जब राम बोलते थे तो मरा हुआ सांस लेने लग जाता। हो तो सही, इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतनी लगन तो हो, मुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं, ढूंढे तो सही। इसीलिए वही सुखदेव जी जैसा वक्ता हो, परीक्षित जैसा श्रोता हो तो रस नहीं आए कोई नहीं सकता, कल्याण ना हो नहीं हो सकता। सात दिन की बात छोड़ो, खटवांग ने आधे पल में मुक्ति पाई थी, आधे पल में, पल के भी आधे पल में। अब वो कह रहे हैं कि जब जैसे हरि की नाभि नाल से जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, तो उस नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल की जो डंडी थी उस डंडी में ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तप गए। एक तरह से आप सोच के देखो, एक कमरे में अगर बंद कर दिया जाए 7 घंटे, सात घंटे शायद कम हो जाएंगे, आप मान लो 2 दिन बंद कर दो कमरे में, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना कुछ और, ना टीवी, कुछ नहीं, बस आप और कमरा है, खाने पीने को मिल जाएगा, आपकी हालत क्या होगी, दीवारों से सिर फोड़ोगे, ये स्थिति हो जाएगी। और हजारों वर्ष, मतलब उनको तो ये भी नहीं पता कि कोई और भी है या नहीं है संसार में, अकेले और उस डंडी में इधर से उधर होते रहे, वो क्या हालत हुई होगी, आदमी को तो मेंटली हालत खराब हो जाए व्यक्ति की, इतनी बुरी हालत हो गई होंगी। तब फिर जब वो परेशान होकर के पुकार की कि कोई है अगर, कोई मुझे बताओ तो सही, मैं हूँ कौन। मतलब अगर सोचो पृथ्वी खाली हो और आपको लाके पटक दिया, या जन्म देके पूरी पृथ्वी आपकी, आप करोगे क्या राज करो तो किस पे करो किस पे करो राज, पूरी संपत्ति आपकी, लो ये हीरे मोती माणक फल फूल सब आपके, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, क्या करो क्या क्या करो सोच के तो देखो जो हालत हुई ब्रह्मा जी। तब फिर नारायण ने उन्हें भागवत का उपदेश दिया था, ज्यादा स्लो चल रही हूँ क्या अभी, तो भागवत का तब उपदेश दिया। और भागवत का उपदेश वैसे देखा जाए ना केवल 4 श्लोक हैं, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, जो ओरिजिनल जो मूल भागवत है वो चतुश्लोकी भागवत है। यही भागवत फिर नारद जी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई थी, यही भागवत, उसी का पूरा विस्तार है वो, जो 18,000 श्लोक जो अपन भागवत के देखते हैं। सार बात केवल इतनी सी है जो भागवत नारायण ने सुनाई थी, मतलब कि ये पूरा ये सारा जितना ये ग्रंथों का जंजाल और ये भजन नाम ध्यान योग ये सब कुछ का सार जो है वो ये 4 श्लोक जो उन्होंने बोले, मतलब सार ये है कि सत्य केवल ईश्वर है। उस ईश्वर को अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, जो कह लो, मतलब वो जो परम सत्य है, जो परम तत्व है, वो ही सत्य है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। ये सब कुछ जो भी दिख रहा है, ये दीवार, ये पेड़, ये कपड़े, ये दीपक, कुछ भी नहीं है। मोम से सारी चीजें बना दो, है क्या चीज, तो केवल मोम है ना, उससे 50 चीजें बना दो कोई मतलब नहीं। मिट्टी से 50 बर्तन बना दो, है मिट्टी मेन जो है, केवल ईश्वर सत्य है, बाकी सब ये माया से बना हुआ जंजाल है। और ये जिसको पता चल जाता है उसके लिए फिर कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि यहाँ पे नष्ट होने वाला कुछ भी नहीं है। और वो जो एक तत्व है वो आनंदमय है, वो रसो ऐसा है, वो सच्चिदानंद है, तो फिर क्या तो डर और क्या परेशानी। यही स्थिति की मेरी हुई जब मेरे शंकर भगवान बोल रहे हैं, जब मेरे को भूमध्य से, मतलब यहाँ विकुटि मध्य से जब भगवान ने प्रकट किया तो मैं भी ऐसे ही परेशान हुआ। देवर्षि की भी यही हालत हुई, फिर देवर्षि नारद जी को जो नारद जी की कथा आगे आएगी। और फिर जब ब्रह्मा जी से ही, अपने पिता से ही उनको इस सत्य का ज्ञान हुआ, फिर नारायण 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 गाने लगे ऋषिवर, अब तो हर क्षण नारायण नारायण गाने लगे। और बड़ा वो भी आया कि पिता, मतलब पिताश्री, आपने बड़ा बुरा किया, इतना समय लगाया मुझे।
कितना रोया मैं। तो बोले कि भाई तप तप के ही मिलता है जो मिलता है, इस तपस्या से ही तो उसका रस है। जब रात दिन एक करके शादियों में नहीं जा करके, और फिर बच्चा जब पढ़ाई करता है ना, और फिर सिलेक्शन होता है कहीं पर, उसका मजा अलग होता है। अरे कोई वही बैठे बिठाए सिफारिश दिया, कैसे भी लग गई, कुछ भी हो गया, उसे मजा नहीं आता है। जितना तपता है, ये व्रत उपवास वगैरह भी जो होते हैं ना, त्याग वगैरह, इनसे आत्मशक्ति बहुत बढ़ती है। इसको कोई अगर आजमा के देखता है ना, ये सब बेकार नहीं है, जितनी भी तपस्याएं हैं सब कुछ, ये तपस्याएं आत्मशक्ति को बढ़ाती है, अपने अंदर की शक्ति को। बाहरी शक्ति देखी है अपन ने अभी तक, अंदर की शक्ति नहीं देखी है। ऐसा ही कुछ वेदव्यास जी के साथ हुआ कि वो भी परेशान हुए, और परेशान होकर के सरस्वती के तट पे आके बैठ गए थे कि हुआ क्या कि उनके पुत्र, उनका सुखदेव जी जो पुत्र हुए, बैरागी निकल के चले गए घर से। वेदव्यास जी नहीं सहन कर पाए। देखिए अगर छोटी छोटी चीजों से अपन परेशान होते हैं तो इसमें ग्लानी की जरूरत नहीं है, भगवान की शरण ग्रहण करने की जरूरत है। ये बहुत स्वाभाविक चीज है, माया सभी को लपेटती है, अपन को ये छूते नहीं है, बड़े बड़ों को लपेटती है। तो शरण, प्रभु की शरण में जाना है बस, उनसे पुकार करनी है, माया से वही छुड़ाते हैं। देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आते वो ही माया से तरते हैं, बाकी इसका पार कोई दूसरा नहीं पा सकता। फिर जब देवर्षि ने बताया तब, अरे भाई आप क्यों अंदर के गिर रहे हो, रुको रुको चलो भाई। देवर्षि ने उनकी उत्कंठा को विश्राम दिया कि आप परेशान मत हो, आपने अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो सब धर्म अधर्म के ऊपर लिखे हैं, अब धर्म अधर्म से ऊपर का ग्रंथ इससे भी ऊपर हो। इस हेतु पावन आप से अब हरि गुणों का गान हो, एक ग्रंथ ऐसा तुम रचो जो ईश की पहचान हो। ये बहुत अच्छी बात है, जो ईश्वर तत्व को पा लेता है किसी भी माध्यम से, उसे भी फिर संसार में भक्ति लेकर के ही रहना पड़ेगा, भक्ति करते हुए ही रहना पड़ेगा, वो अपना जीवन कैसे बिताएगा। इसलिए कह रहे भले आपने धर्म धर्म के ऊपर बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन जब तक भक्ति प्रभु का गुणगान नहीं होगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। तब उन्होंने फिर भागवत लिखी। तो शंकर भगवान यही बता रहे हैं कि इस तरह से परीक्षित का भी यही हाल हुआ था, जब पता चला मृत्यु सामने है तो वो भी फिर लगे। तो सभी की यही स्थिति है कि मेरे साथ भी यही हुआ, फिर जब प्रभु से मुझे जो आनंद या जो सत्य का ज्ञान हुआ, इसके बाद मैंने क्या किया, ये त्रिशूल लिया और ये डमरू लिया, दोनों को जोड़ दिया साथ में। त्रिशूल मेरा कर्म है कि मुझे संहार का काम दिया है जो मैं करूंगा, डमरू मेरी भक्ति है, दोनों को मैंने साथ में जोड़ दिया। मतलब भक्ति के साथ होगा अपना कर्म, अब ये नहीं है कि अपन कर्म करने में लग गए भक्ति भगवान की छूट गई। भक्ति तो ऐसी रास आ गई, शंकर भगवान को उतर गई उनके अंदर। यही कह रहे कि संसार में व्यक्ति आ जाता है, लग जाता है काम धंधे में, खुश ही नहीं आता है। बचपन खेल कूद में, बचपन जवानी मौज मस्ती में चली गई, बुढ़ापा देख के रोया, बुढ़ापा देख के रोता है तब होश आता, वो भी क्या, वह खुद से मिलने आए थे दुनिया से मिलकर चल दिए। कबीरदास जी ने भी यही कहा, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हरि भजन करने के लिए आए थे, ये जुलाई का काम करके कपास, ये जो रुई से ही उसी को ओटने में लगा हुआ हूँ मैं, भजन तो कब पता ही नहीं कब करें, भजन का सा जरूरत ही पता नहीं है, क्यों क्यों भजन करना चाहिए, मतलब अपन कर क्या रहे। देखिए एक अपने पास है थोड़ा समय होगा है ना, कि अपन एक वो बता, देखिए सुनाते हैं। एक भिखारी था, रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था, कटोरा हाथ में था, कटोरे में कुछ सिक्के पड़े थे लोगों ने जो डाले थे, तो उसी कोई वो नहीं बजाते बजाते कि भाई भीख दे दो, कोई आपका बड़ा अच्छा होगा, भगवान भला करेगा। वो बोले जा रहा, लोग आते एक आध डाल जाते उसमें, और वो अच्छा, वो जो भिखारी था ना वो बड़े संपन्न परिवार का था पहले, अब स्थिति ये हो गई कि धनाढ्य परिवार से था, स्थिति ये हो गई कि अब
कुछ नहीं रहा उसके पास। अब वो कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत है उसकी। तभी वहां से एक और रेलवे स्टेशन पर एक राहगीर जो था वो आया और उसने देखा नोटों की गड्डी निकाली जेब में से और गिनने लगा। वो भी देख रहा भिखारी था, गजब के मेरे पास तो खूब सारे पैसे हैं, ये गड्डी अपने को मिल जाए तो अपना तो आराम हो जाए, मजे हो जाए। तो ठीक है उसने बोला क्या कि भाई मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मुझे दे दोगे ये पैसे? कि हाँ ये कटोरा मुझे दे देना, कि ये लो कटोरा मुझे क्या करना, पता नहीं इसको क्या चाहिए कि कटोरे के बदले नोटों की गड्डी देने चला है, ले लो अभी ले लो। अब उसने लिया कटोरा, इसने दिए रुपए, वो अपने रास्ते फटाफट चल दिया और वो अपने रास्ते चला गया, वो मतलब चलेगा ट्रेन में। भिखारी ने देखा कि यार ये ऐसा नहीं हो कि कहीं अपने इसका मन बदल जाए और ये वापस पैसे लेने आ जाए कि क्या भीख का कटोरा इसके नोटों की गड्डी दे दी इसके चक्कर में। वो फटाफट आगे निकल गया, वो अपने ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन आगे बढ़ गई। वो ट्रेन में उसका वजन तोल रहा है कटोरे का कि कितना है, क्योंकि वो कटोरा सोने का था। ये स्थिति हम सब की है, ये मानव शरीर लेकर के और कांच इकट्ठे करने में लग रहे हैं, रुपए कमाने में लग रहे हैं, या जमीन जायदाद मकान रिश्ते बनाने में और पता नहीं किस किस चीज में, जबकि ये जो है ना शरीर ये आनंद का खजाना है अंदर, इसके अंदर कोई पहुंचे तो। इसीलिए शंकर भगवान कह रहे हैं मुझे आन है, मुझे आन है मृगछाल की ये शान है कैलाश की। तो ये जो मृगछाल जो मैंने पहन रखी है मुझे इसकी आन है, मैं इसके दम पे बोल रहा हूँ, ये कैलाश की जो शान है मैं इसके दम पे बोल रहा हूँ। शंकर कदम रू कह रहा ये जो रक्त त्रिशूल से बह रहा, सब व्यर्थ है जब व्यर्थ है, धन जन का ना कुछ अर्थ है, हरि भक्ति ही बस सार है, हरि भक्ति ही आधार है। कोई अर्थ नहीं है ये धन जन परिवार रिश्ते, कोई अर्थ नहीं, हरि भक्ति ही बस सार है, हरि भक्ति ही आधार है।